हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? माय सेल्फ अरीनाज, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ बेसिक स्टेप्स सिलाई सीखने के लिए। जिस किसी को सीखनी है तो मेरी वीडियो देखकर सीख सकते हैं। जैसे किसी को कुछ भी नहीं आता है, मशीन चलानी भी नहीं आती है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी, और वो सबसे पहला स्टेप यही है जो मैं इस वीडियो में आज बताऊँगी। और इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सामान चाहिए होंगे सिलाई सीखने के लिए, तो उसी की मैं यहाँ लिस्ट बना रही हूँ। डे वन से हम स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर आएंगी सिलाई की जो लाइनें होती हैं, सेविंग लाइंस, तो वो कैसे करनी होगी। और जो सामान चाहिए होगा वो होगा सबसे पहले सीज़र, एंड सेकेंड इंच टेप, थर्ड चॉक, और फोर्थ होगा पेंसिल मार्किंग के लिए, और फिफ्थ होगा थ्रेड, धागा कोई भी, और सिक्स नंबर पर चाहिए होगा पेस्टिंग, जिस पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और चाहिए होगा स्केल मार्किंग के लिए, और सबसे लास्ट सेविंग मशीन तो चाहिए ही होगी सिलने के लिए। तो ये सब सामान हमें बेसिक चाहिए होंगे, और उसके बाद हमें देखनी है कि हम तो सीज़र हो गया, इंच टेप हो गया, चॉक हो गई, पेस्टिंग हो गया, थ्रेड हो गया, पेंसिल हो गई, स्केल हो गया, और सेविंग मशीन हो गई। उसके बाद चाहिएंगे हमको कि कौन कौन सी हमें लाइन ड्रॉ करनी है, सेविंग लाइंस जो हम स्टार्टिंग में सीखने के लिए ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ करनी होंगी जो सीधी होती हैं बिल्कुल। और सेकंड होगी वर्टिकल लाइंस, स्लिपिंग लाइन जैसी होती हैं, और उसके बाद थर्ड होगी स्लांट लाइन, तिरछी लाइनें, फोर्थ होंगी चेक लाइन जिसमें बॉक्सेस आते हैं, और फिफ्थ नंबर पर होंगी फिफ्थ नंबर पर जिगजैग लाइन, और उसके बाद कर्व लाइन। ये फर्स्ट डे हमको ड्रॉ करनी है, इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद ही थोड़ा सा हाथ साफ होगा, और ये मैं लाइनें ड्रॉ करके देख रही हूँ कि ये कैसे होती हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये वर्टिकल लाइंस, और स्लांट लाइंस, चेक लाइंस, ज़िगज़ैग लाइंस, और सबसे लास्ट में होगी कर्व लाइंस। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, और इसके आगे का प्रोसेस मशीन पर करना है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पेस्टिंग लेनी है जिससे हम नेक बनाते हैं, और उसको मैंने सिक्स लाइन ड्रॉ करी थी, तो मैं सिक्स पार्ट्स करने हैं इसके, सिक्स पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर लूँगी और फिर उसकी कटिंग करना है। अभी इसको कटिंग कर लेना है।
ओके, तो मार्किंग करने के बाद अब जितनी भी मार्किंग हमने की है उसके ऊपर मशीन चलानी है और कोशिश करना है कि जहाँ जहाँ मार्किंग है उसी के ऊपर हमारी सिलाई की लाइन भी आनी चाहिए और उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़िगज़ैग लाइन में मशीन को रोक कर फिर ऐसे घुमा घुमा कर ये लाइंस बनानी पड़ेंगी, एक ही बारी में ये लाइंस नहीं आएगी। और सबसे लास्ट में ये कर्व लाइन बनाने के लिए कपड़े को या पेस्टिंग को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा लहरा लहरा कर चलाना पड़ेगा, तब जाके ऐसी लाइन आएगी। ये थोड़ी सी टफ होगी बिगनर्स के लिए। फर्स्ट डे के लिए यही लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद क्या करना है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता देना, और आगे मैं वीडियो बनाऊँ इसके इसके आगे तो भी प्लीज़ मेरे को बता देना। थैंक यू सो मच।